पब्लिक टीवी आपकी आवाज। अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्नातक संघ के पदाधिकारी मुरादाबाद में हैं और बैठक का आयोजन किया गया है। उत्तर प्रदेश अध्यक्ष हरिओम शर्मा जी भी हैं, उनके उनके नेतृत्व में कुछ दायित्वान जो पदाधिकारी हैं उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिरकार जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके साथ मिलकर वो किस तरह की रणनीति आगे चलाने वाले हैं और किस तरह की तैयारियां उनकी है, उस पर चर्चा करने के लिए तैयार है। सबसे पहले आपसे जानना चाहें क्या शुभ लाभ। मैं प्रोफेसर अजय राणा वर्धमान कॉलेज बिजनौर में कार्यरत हूँ। आज इस प्रेस वार्ता में आदरणीय श्रीमान हरिओम शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा मुझे प्रदेश उपाध्यक्ष का दायित्व दिया जा रहा है अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्नातक संघ में। मैं पूर्ण निष्ठा के साथ इस संगठन को विस्तार देने में अपनी पूरी भूमिका निभाऊंगा और इसे प्रदेश स्तर से लेकर गांव स्तर तक, गांव सभा स्तर तक उसको पहुंचाना मेरा उद्देश्य रहेगा। स्नातकों को स्वरोजगार की ओर प्रेरित करना, उन्हें कौशल की ओर प्रेरित करना, ये मेरा उद्देश्य रहेगा। स्नातकों की प्रमुख समस्याओं को सुलझाने की ओर हमारा चरण रहेगा। बहुत सारे संगठन हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं, उनको देखते हुए किस तरह से आपकी रणनीति है? ये संगठन हमारा पहला राजनीतिक संगठन है। हम किसी भेदभाव के साथ, किसी राजनीतिक दल के साथ इस तरह का कार्य हम नहीं कर रहे। हम केवल स्नातकों की समस्याओं को उठाने का काम करेंगे और उसको सुलझाने का भरपूर प्रयास है। नीलम जी है, नीलम जी आपको दायित्व दिया गया है, क्या कहेंगे? जी आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष हरिओम शर्मा जी द्वारा जो मुझे दायित्व सौंपा गया है क्षेत्रीय संयोजिका महिला प्रकोष्ठ का, और मैं उस दायित्व को पूरा करने का जो है अपने पूर्णतः प्रयास करूंगी और संगठन से भी अपेक्षा रहेगी कि बिना किसी पूर्वाग्रह के हमारा संगठन जो कार्य लेकर चला है समाज में, वह कार्य हम लोग अपनी पूर्ण निष्ठा से सब लोग मिलकर उसको अग्रसर करें और संगठन का विस्तार हो। अधिकतर स्नातक जो हैं उनकी जो भी समस्याएं हैं हम उस पर काम कर सकें और सबका भरोसा हमारा संगठन में बढ़े, इस स्तर पर हम लोग काम। जी मैडम, क्या कहेंगी, किस तरह की तैयारी है आपकी और क्या दायित्व? मैं डॉक्टर सुधा सिरोही बेसिक एजुकेशन से हूँ और मेरे पास क्षेत्रीय उपाध्यक्ष की मेन बॉडी की जिम्मेदारी है और मैं पिछले कई वर्षों से प्रदेश अध्यक्ष हरिओम शर्मा जी के साथ कार्य कर रही हूँ। हमारा मेन जो मुद्दा है वो स्नातकों की समस्याओं को लेकर है, क्योंकि बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं लेकिन स्नातकों के लिए कोई संगठन कार्य नहीं कर रहा है। तो इस जो स्नातक की समस्या जैसे बेरोजगारी है या उनको स्वरोजगार दिलाना है या उनका रोजगार कार्यालय में नामांकन कराना है उसके लिए प्रेरित करना है या फिर और उनको रोजगार से संबंधित जो भी सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं हैं उनकी जानकारी देनी है, उन सबको लेकर हम लोग कार्य कर रहे हैं और उनको मेन रूप से उनको जागरूक करने का कार्य हम लोग कर रहे हैं। और भी पदाधिकारी हैं, सर क्या कहेंगे, क्या है? मेरा नाम भुवनेश्वर कुंडल और मुझे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष क्षेत्रीय उपाध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया है श्री हमारे हरिओम शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष द्वारा। और मेरा इसमें है कि जो हमारा संगठन के उद्देश्य हैं उस पर खड़ा उतरूंगा और जो नियम कायदे हैं उस पर काम करेंगे। उद्देश्य का मेन बिंदु मेरे हिसाब से रहेगा कि जो जो नौजवान हैं उनके बीच में अभी भटकाव की स्थिति है, उनकी भटकाव की स्थिति को जांच कर उनको जो समस्या उनके धरातल पर आ रही है उसे पहचान कर उसका निराकरण करने में रहेगा। क्योंकि इनके अभी जो युवा हैं उनके इसमें अभी उनको ये पता नहीं कौन सी क्वालिटी उनके अंदर है और क्या करना चाहिए, इसको देख के दूसरा आदमी उसकी भेड़चाल में चल देता है। तो इसको हटाते हुए उनकी जो योग्यता है उनकी क्षमता के अनुसार उनको दायित्व सौंपा जाए, उनको समझाया जाए कैसी कैसे है और उस पर हमारा फोकस रहेगा। क्योंकि सचिन तेंदुलकर से अगर गाना गवाएंगे तो वो योग्यता वो नहीं है, इसी तरह की जो क्वालिटी है उसी हिसाब से जो युवा है उसको उसकी जो योग्यता है उसकी क्वालिटी को पहचान कर उस क्षेत्र में काम किया जाए। सर आप क्या कहेंगे, क्योंकि उम्र दराज भी है और लगता है कि इस स्नातकों पर एक अच्छा असर आपकी उम्र में। देखिए मैं वीरेंद्र कुमार एडवोकेट, मुझे यहाँ पर जिले का पूरा प्रभार सौंपा गया है माननीय हरिओम जी द्वारा। मेरा कहना यह है कि जितने भी हमारे स्नातक भाई स्नातक होने के पश्चात बेरोजगार रहते हैं, क्योंकि सभी लोगों को सरकारी नौकरी या सरकारी टीचर या सरकारी उपक्रम में कहीं भी स्थान नहीं प्राप्त हो पाता है, उसके लिए हमारा प्रयास ये रहेगा संगठन सभी लोगों का एक दूसरे से कि उनको कोई ऐसी तकनीकी शिक्षा दी जाए, उनको स्वरोजगार से संबंधित कोई ऐसे ऐसे
मतलब वो उत्पन्न किए जाए कि उनको आत्मसम्मान से जीने का एक अवसर प्राप्त हो सके, ताकि कोई भी स्नातक होने के पश्चात बेरोजगारी स्तर से ना रह पाए। सर जानना चाहेंगे कि संगठन किस तरह से काम कर रहा है और क्या लगता है आपको कि क्योंकि आप मुरादाबाद में बहुत लंबे समय से कार्यरत भी है और लोगों का जो अपना एक दायित्व। अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्नातक संघ में मैं रूरल खंड क्षेत्र का क्षेत्रीय अध्यक्ष हूँ, बिंदन कुमार शर्मा नाम है मेरा। और ये जो संगठन बना हुआ है स्नातकों की समस्याओं को लेकर बना हुआ है। स्नातक में भी दो कैटेगरी है, रोजगार और बेरोजगार। इसमें भी हमने कैटेगरी करी है, जो महिलाएं शादी होने के बाद अपने घर को संभालती हैं वो भी बेरोजगार, उन्हें भी रोजगार की आवश्यकता है, तो हम किस प्रकार से उनका भी उत्थान करें, क्योंकि आज ये ग्रेजुएट वो भी हैं और ग्रेजुएट होने के बाद अपना गृहस्थी संभालती हैं, तो वो भी एक रोजगार की श्रेणी में आता है। बहुत बड़ा स्कोप है कि हम उन महिलाओं को टेक्नोलॉजी को समझाते हुए इस प्रकार का रोजगार दें कि वो भी अपने परिवार के लिए आर्थिक रूप से मदद करें। इसी प्रकार से आप भी ग्रेजुएट हैं, पत्रकारों की बहुत समस्याएं हैं, उनकी समस्याएं भी हमें उठानी है, क्योंकि इस बरसात में बहुत कड़ाई के साथ वो काम करते हैं और अपनी बात को रखते हैं, हमारी बात को रखते हैं। तो हम चाहते हैं सभी जितने ग्रेजुएट हैं, वो पत्रकार हो, शिक्षक हो, वकील हो, किसी भी क्षेत्र में हो ग्रेजुएट हैं, उन सबकी समस्याओं को एकत्रित करना, प्रशासन तक पहुंचाना, ये हमारा उद्देश्य। जी भाई साहब क्या कहेंगे इस संगठन को लेकर? मैं प्रोफेसर अनिल कुमार, हिंदू कॉलेज मुरादाबाद से। मैं अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्नातक संघ का उत्तर प्रदेश का प्रदेश कोषाध्यक्ष हूँ। संगठन का हमारा उद्देश्य जो है सदस्यता बढ़ाने पर रहेगा। जो सदस्यता अभी हमारी 2 लाख है, तो हमारा जो उद्देश्य है उसको जो 5 लाख करने का रहेगा। हम इसको गांव तक ले जाएंगे और हमारे जो स्नातकों की समस्याएं हैं उनको रखेंगे और साथ में शिक्षकों की समस्याओं को भी रखेंगे, स्नातकों के रोजगार पर जो विशेष ध्यान रहेगा। अच्छा क्या कहेंगे आप, आपको क्या जरूरत? मैं अरुण शर्मा, राष्ट्रीय स्नातक संघ का जिला अध्यक्ष हूँ और पेशे से माध्यमिक शिक्षक हूँ। और मेरा ये प्रयास है कि ग्राम स्तर से लेकर के ब्लॉक स्तर तक, ब्लॉक स्तर से तहसील तक, तहसील से जिले तक। और पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।